गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू योर चैनल डुआ। जैसा कि आज इंटेलिजेंस ब्यूरो ACIO के ग्रेड 2 के एग्ज़ाम्स हुए हैं, तो आइए एक नज़र डाल लेते हैं कि उसका क्या पैटर्न है, एलिजिबिलिटी क्या है, और क्वेश्चन पेपर जो आया हुआ था वो भी स्कैन करके अपलोड की गई है, वो भी हम लोग देखेंगे। इसके साथ जो उसकी आंसर की है वो भी, हो सकता है उसमें कुछ एरर्स हो, लेकिन मैक्सिमम आपको 2-3 एरर्स मिलेंगी, बाकी आंसर की सही होगी। और इसके बाद फिर हम जो एक प्रिडिक्शन स्कोर है, प्रिडिक्टेड स्कोर है, उसको हम लोग देखेंगे कि क्या कट ऑफ जा सकती है, ताकि आप लोग आराम से अपने मेंस में ध्यान दे सकें और मेंस की तैयारी कर सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ACIO ग्रेड सेकंड का जो पोस्ट है उसमें टोटल 1300 सीट्स हैं, जिसमें जनरल की 951 सीट्स हैं, SC कैंडिडेट्स के लिए 109 है, ST कैंडिडेट्स के लिए 56 एंड OBC कैंडिडेट्स के लिए 184 सीट्स हैं। और जो इसकी एलिजिबिलिटी है वो है बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, और आपको इसके साथ साथ बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए। मींस बैचलर डिग्री के साथ एक बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, मींस अगर आपके 10th 12th या ग्रेजुएशन के किसी सब्जेक्ट में कंप्यूटर रहा है तो वो सफिशियंट है। फिर देख लेते हैं कि इसमें क्या पैटर्न है। तो इसमें टायर वन होना है, जैसा कि आज हुआ है, फिर टायर टू होगा जो बच्चे टायर वन क्वालिफाई करेंगे, और फिर एक इंटरव्यू होगा। तो यहाँ पे टायर वन, टायर टू और इंटरव्यू, इन सब के मार्क्स जुड़ के एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, और उस मेरिट लिस्ट के हिसाब से कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा। तो अभी टायर वन जो आज हुआ है तो उसमें क्या था कि 4 पार्ट्स थे आपके, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल और एनालिटिकल एबिलिटी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। ये 4 सेक्शन थे जिसमें ईच सेक्शन में 25 क्वेश्चंस दे रखे थे, और 25 क्वेश्चन जो थे वो ईच क्वेश्चन में 1 मार्क्स था, मींस, और इसमें जो निगेटिव मार्किंग थी 1/4 की थी, मींस अगर एक कैंडिडेट क्वेश्चन सही करता है तो उसको 1 मार्क अवार्ड किए जाएंगे, और अगर वहीं पर वो क्वेश्चन वो गलत करता है तो 1/4 मार्क, मींस 0.25 मार्क्स उसके डिक्रीज किए जाएंगे, और अगर वो कोई अटेम्प्ट नहीं करता है तो उसका फिर कोई मार्क्स ना ही डिटेक्ट होगा ना ही आपको अवार्ड किया जाएगा। तो टोटल जो ये था वो 100 मार्क्स का था, और ड्यूरेशन 1 आवर का ड्यूरेशन था। अब इसमें जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे वो टायर टू के लिए जाएंगे, जहाँ पे ना डिस्क्रिप्टिव टाइप के एग्जामिनेशन देने होंगे। फिर ये है आपकी स्क्रीन में, ये जो क्वेश्चन पेपर आया हुआ है वो एक कैंडिडेट का क्वेश्चन पेपर है, जिसको हम लोगों ने स्कैन करके अपलोड किया है, ताकि एक मदद मिल सके उन कैंडिडेट्स को जिन्होंने पेपर दिया है, और साथ में उनको भी जिन्होंने पेपर नहीं दिया है लेकिन वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन हैं, घूम के कहीं ना कहीं वो किसी न किसी एग्जाम में आते रहते हैं। तो जो एक अच्छा तरीका है स्टडी करने का वो यही है कि जितने भी पेपर हो रहे हैं उनको लगाते जाइए। इस ये मत सोचिए कि पेपर इस पे आया था, ये क्वेश्चन इस पे आया था या उस पे आया था, वो कहीं ना कहीं आपको आगे हेल्प जरूर करेंगे। तो ये स्क्रीन में क्वेश्चन पेपर है, आप इनको देख लीजिएगा। फिर इसके साथ ही हम लोगों ने यहाँ पे आंसर की भी दी हुई है, जिन कैंडिडेट्स ने आज पेपर दिया है, जो आज अपीयर हुए हैं एग्जामिनेशन में, तो उनके लिए काफ़ी मदद करेगा। और मे बी इसमें 2 या 3 गलतियाँ हो सकती हैं, क्योंकि बिल्कुल ये एक्यूरेट नहीं है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश रही है कि ये आंसर की जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट हो, बिल्कुल सही हो। तो आप इससे अपने जो स्कोर आ रहा है, इससे आपको एक स्कोर का पता चलेगा कि आप कितना स्कोर आ रहा है, ताकि आप जो आगे है वो मेंस की तैयारी में फोकस कर सकें। ये है हम लोगों का प्रिडिक्टेड स्कोर कि क्या कट ऑफ जाने वाली है। तो जनरल कैंडिडेट्स की 65 जाएगी, OBC की 57, SC की 50 और ST कैंडिडेट्स के लिए 45 कट ऑफ है। इसमें आप प्लस माइनस 2 कर लीजिएगा, क्योंकि एक प्रिडिक्टेड स्कोर है, लेकिन हाँ इसके ज़्यादा डिफरेंस आपके उसमें नहीं देखने को मिलेगा कट ऑफ में। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने ये कहा है कि एक जो रिक्वायरमेंट है वो 33% की है, मींस कैंडिडेट को 33% मार्क्स, 100 में 33% मींस 33 मार्क्स आपको लाने ही लाने हैं। अगर आप उससे नीचे लाते हो तो आप अनक्वालिफाइड हो, डिसक्वालीफाइड हो जाएगा इसी तरह। लेकिन उनकी ये भी कंडीशन है कि आपके 33 मिनिमम है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो कैंडिडेट्स का 33 आया है वो सेलेक्ट ही हो टायर टू के लिए, क्योंकि वो जो 33 के अबव कौन कितना स्कोर करता है, मींस वो एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना एवरेज स्कोर ला रहे हैं उस पर आपकी कट ऑफ निर्धारित होती है, लेकिन उसके नीचे आपको कट ऑफ नहीं लानी है, मींस 33 के नीचे आपको नहीं जाना।
ये जो कट ऑफ है इस पे अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, इसके इर्द गिर्द आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो बिल्कुल आप फोकस करिएगा मेंस के लिए, और ज़्यादा आप डेविएट मत होइएगा कि आप डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस देख रहे हैं और आप केवल यही सोच के टाइम अपना पास किए दे रहे हैं कि क्या कट ऑफ जाएगी क्या कट ऑफ नहीं जाएगी, क्योंकि टायर वन में क्या है, उन्हें मैक्सिमम बच्चे एब्जॉर्ब करने हैं टायर टू के लिए, फिर टायर टू के बाद भी इंटरव्यू है, तो जहाँ दो तीन स्टेप्स होते हैं, स्टेजेस होते हैं एग्जामिनेशन के, वहाँ कट ऑफ जो है वो लोअर साइड पर ही रहती है। तो ये आपके जो स्क्रीन में मार्क्स हैं वो मैक्सिमम जा सकते हैं, लेकिन जिनके इससे भी थोड़ा सा कम है वो बिल्कुल निराश ना हो और अपना मेंस में बिल्कुल फोकस रखें। तो ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे इस चैनल में हमें कमेंट करके बताइए, और भी सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर आपकी क्वेरी है तो बिल्कुल हमसे पूछिए, हम आपको एज सुन एज पॉसिबल उसका रिप्लाई देंगे अपने ही कमेंट सेक्शन में। तो ठीक है, हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए आप, और जो बेल आइकन होगा सब्सक्रिप्शन बटन के बगल में उसको क्लिक करना ना भूलिए, ताकि आगे जो भी कट ऑफ वगैरह की प्रेडिक्शन है, जो भी एग्जामिनेशन है, सिलेबस रिगार्डिंग जो भी वीडियोस आती हैं वो आपको मिलती रहें। थैंक यू, टेक केयर।